अब बिखरी तेरी ये जुल्फों से आंखें तेरी जब दिखती हैं दिखता है मुझे वो आसमां की खोलूं पंख मैं मेरे उड़ जाऊं मैं खो जाऊं मैं इस आसमां में पतंगों की तरह हाँ हाँ तैयारी शुरू कर दे लेकिन पर जो आखिरी वक्त में आपके चक्कर लगने हैं ना यार वो कांस्टेंट है आपको आखिरी वक्त पे याद आता है अच्छा मेरी पानी वाली बोतल रह गई मेरी घड़ी रह गई मेरा ये रह गया मेरा वो रह गया मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर मास्क की कोई जरूरत नहीं है और मुझे पता है मैंने वहाँ जाकर मास्क पहनना भी नहीं लेकिन घर से निकलने से पहले सेफ्टी फर्स्ट बाद में जाए सेफ्टी भाड़ में जब शश के दिखाने देखें नाजिर ना हाजिर मेरी शदाई दोस्त शदाई होती ये शदाई है कसम से बोंगी है यार तू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम गाड़ी जो है ना ये स्पेशल हमने काई कबीले से मंगवाई है Hope you all are doing well and having an amazing day. मैंने कहा आप लोग कहीं मिस ना कर रहे हो मेरा इंट्रो अच्छा सीन कुछ यूँ है कि आज हाँ मैं जा रही हूँ ट्रिप पे वन डे ट्रिप है और ये ट्रिप जा रहा है एबटाबाद में एक जगह है नंग जो अम्ब्रेला वाटरफॉल और सबसे मज़े की बात जो ये है हमेशा होती है वो ये कि अगर आपको जो ट्रिप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वो आपको बोले कि आपने 7 बजे जाना है क्योंकि हमने 7:15 बजे निकल जाना है तो उसकी बात का कभी यकीन ना करो 7:40 पे आई हूँ मैं और सारी की सारी बसें अभी खड़ी होकर मुझे घूर रही हैं हमने नहीं निकलना हाँ और मैं कह रही थी कि हम 8 बजे भी आए ना ये छोड़ के नहीं जा सकते आखिर 6,500 रुपये हमने देने उसे वो 6,500 का नुकसान कैसे कर सकते हैं अनीस तुम जो मर्जी कर लो तुम जरिए हैंडल होने लाइफ में जितने भी ट्रिप्स पे गई हूँ ना यार आते जाते जो मज़ा आया ना लेकिन पर ये 2020 के एरा में जो ट्रिप पे गई हूँ ना सारा मूड स्पॉइल कर दी यार मतलब पहले भी ट्रिप्स में हम किसी को जानते तो नहीं थे लेकिन पर बस में जो शोर मेला और हल्ला गुल्ला होता था ना उससे दिल गार्डन गार्डन हो जाता था लेकिन पर आज तो वाकई इन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो मुझे नहीं जानते और मैं उन्हें नहीं जानती कोई हल्ला गुल्ला नहीं इतने डंप लोग थे यार मतलब कोई इन्जॉयमेंट ही नहीं हमने कोशिश लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है वो देखें शुरू कर ऊपर की तरफ होती है ये क्या है जो नीचे की तरफ जाते हैं वो क्या है जो भी है नीचे जाने पहले हमने वाटरफॉल के लिए और यार पता नहीं सुनने में आया कि काफी अजीब रास्ता है उत्तर तो हम बड़े मजे से जाएंगे वापस आते वक्त हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा लेट्स सी क्या होता है अभी तो हम रिफ्रेशमेंट का वेट कर रहे हैं जो शायद हमें मिलनी है अभी हमने यहाँ पर परेशान पिया फ्रेश फ्रेश हुए कंडीशन ठीक है क्योंकि आते हुए बालों का सत्यानाश हो गया था और अब हम जाएंगे नीचे एक सच्ची बात मैं आपको बताने लगी हूँ ऊपर से देखकर इतना आसान लग रहा था यार मतलब यहाँ ही तो जाना नीचे ही और लिटरली हमें थोड़ा सा भी आए हैं और मुझे पता मैं कैसे आई हूँ तो जनाब हमने शुरू कर दिया है नीचे जाने का रास्ता अभी तक तो मज़ा आ रहा है मुझे लगता है ये ज़्यादा मज़ा ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि हमसे पहले वाला जो ग्रुप था उन्होंने जो रास्ता चूज़ किया है ऊपर से वो कह रहे थे कि इस रास्ते से ना जाएँ क्योंकि बहुत ही स्टीप है ब्रेकें नहीं लगेंगी आपकी
तो हमने दूसरा रास्ता चूज़ किया क्योंकि मुझे पता है कि नहीं लगेंगे ब्रेक, हमारी ब्रेक वैसे फेल है। इसे चेक कर सकते हैं आप, ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है, मतलब रास्ता बहुत कठिन है। तो मोहतरमा तैयबा साहिबा, हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? दिल गड़न गड़न हो रही है यार, मुझे हाथ मत लगाना लड़कियों, क्यों तुम पत्थर की बन जाओगी। करीब हैं अपनी मंजिल के, बहुत करीब हो के मंजिल के, फिर भी बहुत दूर हैं हम। जो लोग वापस आ रहे हैं ना वो कह रहे हैं अभी तो मजे से उतरे, जो वापस जाओगे ना लग पता जाएंगे। जाते हुए ब्रेक नहीं लग रही, आते हुए रेस नहीं दे होनी। अब बात ये है कि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, अब नीचे उतरेंगे ना बिल्कुल आप ब्रेक फेल होगी आपकी, नहीं वो ब्रेक लगेंगे आपके। ऐसे जूते पहन के जिसकी बहुत अच्छी ग्रिप हो, यहाँ से स्टिक्स मिलती है वो ले लें, हमारे यहाँ से कल मंदी मत करना। नहीं नहीं नहीं, पैसा जाया नहीं करने, लेकिन आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। अब जो है ना ये रास्ता हमें तय करना है, देखने में लग रहा है मामूली सी बात है पर नहीं है मामूली बात, और वो रही आबशार। अब नीचे उतरना है और यहाँ से जो आगे का रास्ता है वो हमने रस्सी पकड़ पकड़ के नीचे उतरना है। आई डोंट नो हमारे साथ क्या होने वाला है, मेरे और कैमरा लेके जाना था तुमने। ये चेक करें रास्ता, इतना भी आसान नहीं है उतरना यहाँ से। देखो रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट होती है, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, सस्ती का नाम ना लेना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो क्या कहेंगे? एक दफा फिर आए। अभी नहीं, मजा नहीं आया? नहीं दोबारा है। यहाँ हमेशा आना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मैं बता दूँ आपको सच्ची बात, बताती हूँ, एक दफा आ जाना फिर मैं बता रहा हूँ, सारी जिंदगी नहीं आएंगे मुड़ के इधर। हम आए इस रास्ते से नहीं थे जिससे जा रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम भटक चुके हैं, पता नहीं यार काफी देर चल रहे हैं लेकिन कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही। हालत ज़ार ख़राब है, बल्कि बहुत ख़राब है, और हमारे बाकी सारे साथी पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। 2000 years later. मेरी हालत से आप हालत का अंदाजा लगा लें। इसको शरीर थके हुए, ये मेरी दो दोस्तें गुम हो गई, कहा शायद गिर गई है कहीं, गायब हो गई, अभी मज़े से वहाँ बैठी हुई हैं, यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं, इनको कॉल कर करके। तुम लोग मैंने इतनी टेंशन ली है ना, सर से लगे हुए। खैर अब हम वापस जा रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हमने वो रेक फॉर्म में आ रहे हैं, देख लिया थोड़ा सा, देख लो खाने के लिए, और रात भी हो चुकी है तकरीबन, ठंड भी थोड़ी थोड़ी लग रही है क्योंकि हम गीले ही थे। अच्छा जना अभिषेक के जाने हो रही है, इसलिए जो है ना मैं बीबी पर मिल रही हूँ। लोग यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत थक चुके हैं, अगले दो दिन तक थके ही रहेंगे क्योंकि हालत ज़्यादा इतनी ख़राब है। बस आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को सब कुछ आपको बताइए क्या करना होता है। ये मत कहा करें कैसे बोला करो क्योंकि मेरे बस में बात नहीं है। अल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।
क्या क्या हो गए देखते देखते करना अपनी तरफ ऐसे नहीं ऐसे ऐसे